नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन IDT के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सेकेंड ईयर के आपके पेपर नंबर 9th की, जिसका नाम है थेरेपेटिक्स। और भैया इसका 1 और 2 है ना, इन यूनिटों को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई है थेरेपेटिक्स की, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं इन यूनिटों को भी, यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी। तो यूनिट 1 में और 2 में जो जो बातें हुई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ पर आपको बता दी गई हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 की बात करेंगे और यूनिट 3 में क्या कहा जाएगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनिट 3 में आपका जो भी आपके ऑटिज़म बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं, इनके भाषण यानी कि स्पीच, भाषा और संचार की बात की जा रही है कि जो ये बच्चे हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें निहितार्थ हैं भाषा, भाषण और संचार में, जो कि आपके ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक बच्चा जिसका वाणी का विकास होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बोलने से ही, भाषा के उपयोग से ही संवाद करना सीख पाता है। और यह एक जटिल प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू में, और सबसे ज़रूरी जो पहलू हैं वो जीवन के कुछ महीने या कुछ वर्ष है ना, जीवन के कुछ महीने या कुछ वर्ष जो शुरुआती महीने हैं, इनमें बहुत ज़रूरी होता है बच्चा, क्योंकि इन शुरुआती वर्षों में ही, शुरुआती महीनों में ही बच्चा नए कौशलों को सीखता है, उनका अधिग्रहण करता है। जैसे बच्चा बैबलिंग करता है, कुइंग करता है ना, छोटे शब्दों को बोलता है, स्वर को बोलना शुरू करता है, व्यंजन को बोलना शुरू करता है, फिर नए नए शब्दों को यानी कि छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, उसके बाद में 2 शब्द वाली भाषाओं को बोलता है, फिर क्या है 3 शब्द वाली भाषाओं को बोलता है। ऐसे क्या है, बच्चा अपना जो भी भाषा और भाषण का विकास है, संचार जो भी कम्युनिकेशन है वो करना शुरू करता है। जो भी उसके आसपास के वातावरण की शब्दावलियाँ होंगी, सामान्य वस्तुएं, इनका प्रतिनिधित्व बच्चा करता है और इनको देख करके चीज़ों को बोलना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही बच्चे का जो भाषा कौशल है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी कि बच्चे का जो वाक्य विन्यास है, व्याकरण है भाषा को लेकर के, है ना, इसकी जो समझ है वो विकसित होती जाएगी, जो चीज़ें कह सकेंगे कि अधिक प्रभावी हो जाएंगी और बच्चे को संवाद में, बच्चे को संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो पाएंगी। क्योंकि ये भी एक जटिल प्रक्रिया है और मानव विकास संपर्क कैसे करेगा, एक व्यक्ति एक मानव संपर्क कैसे करेगा, अपने भाषा, भाषण और संचार के माध्यम से ही संपर्क कर पाएगा, एक दूसरे से बातचीत कर पाएगा, जिसमें व्याकरण होगा, शब्दावली होगी, वाक्य विन्यास होगा, उच्चारण करना होगा और जो भी नियम हैं, जो भी भाषा के नियम हैं इनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है ना, इनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ग्रहणशील भाषा हुई है ना, सुनना और समझना, अभिव्यंजक भाषा हुई यानी कि बोलना और लिखना, ये दोनों जो होते हैं वो शामिल होते हैं। यानी कि जो भी भाषा का विकास होगा इसमें बोलने और लिखने से संबंधित चीज़ों का विकास होगा, अभिव्यंजक भाषाओं का विकास होगा या ग्रहणशील सुनने और समझने से संबंधित भाषाओं का विकास होगा। भाषा का विकास बच्चे के शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है शैशवावस्था है ना, तो तभी से शुरू हो जाता है। बच्चा ध्वनि करना शुरू करता है, बच्चा कुइंग करना शुरू करता है, शब्दों के बीच अंतर करना सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बातचीत करता है, विचारों को प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, जो ज़रूरतें हैं वो भाषा के माध्यम से प्रकट की जाएंगी।
ऐसे में भाषा कौशल बच्चे का विकसित होगा और जो भी क्षमता हास्य व्यंग है ना, इसकी भाषा की जो बारीकियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। भाषा हमारे अनुवांशिक पर्यावरण और सामाजिक अंतःक्रिया इनके द्वारा डेवलप होती है। हमारी अनुवांशिकी का भी फर्क पड़ता है, हमारी हेरिडिटी का भी भाषा पर फर्क पड़ता है, हमारे पर्यावरण का भी भाषा पर फर्क पड़ता है, और हमारे सामाजिक अंतःक्रिया जो है, जो समाज में भाषा बोली जा रही है मानव विकास के पहलू को लेकर के है ना, सीखने के जो नए तरीके सामाजिक तरीके हैं यहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है इसमें भी क्या है भाषा का उपयोग किया जाएगा। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति समूहों और संगठनों के बीच भाषण लेखन दृश्य प्रौद्योगिकी इनका उपयोग करा करके नई नई सूचनाओं को एकत्रित करना, विचारों को एकत्रित करना और विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो आपके भाषा के द्वारा ही संभव हो पाएगी। जहाँ पर संदेशों को प्राप्त किया जाएगा प्राप्तकर्ता के अनुसार है ना, प्रेषक चीज़ों को बोल रहा होगा और जो रिसीवर है या प्राप्तकर्ता है वो संदेश को क्या कर रहा होगा, सुन रहा होगा। संचार संपर्क का हिस्सा बनेगा और अभिव्यक्त करने में, भाषाओं को व्यक्त करने में है ना, सुनने में, संदेश को वितरित करने में है ना, प्रतिक्रिया करने में इसकी आवश्यकता होगी। कह सकते हैं कि जो भी हमारे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं इनमें सामाजिक संचार, बातचीत है ना, दोहराव, प्रतिबिंबित व्यवहार, रुचियाँ है ना, इनमें सब में विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। ये सारी विशेषताएँ देखने को मिलेंगी जिसमें बच्चा भाषा भाषण और संचार में जो है कमियां देखेगा, और हमें इन बच्चों में इन्हीं कमियों को दूर करना होता है, क्योंकि ये जो भाषा है वो असामान्य भाषा प्रकट करते हैं और भाषा में काफ़ी विलंब भी देखने को मिलता है, देरी भी देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इन बच्चों में भाषा में देरी देखने को मिलती है, काफ़ी कठिनाई होती है इनको भाषा सीखने में, इनमें दोहराव और कठोर तरीके से ये भाषा को सीख पाते हैं। और बिल्कुल हम कहें अगर जो एचडी वाले बच्चे हैं ये बिल्कुल भी भाषा को विकसित नहीं कर पाते, संचार और गतिविधियों में भाषा चित्र और प्रौद्योगिकी पर ही इनको हम लोग बेहतर बना सकते हैं है ना, चित्र के माध्यम से, संचार के माध्यम से, आपका सांकेतिक भाषा और चित्र के माध्यम से ही हम इन बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, एक बेहतर तरीके से इनको हम सिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका जो भी आपके बच्चे होंगे इनका अशाब्दिक जो संचार है उसमें ताकत मिलेगी, यानी कि जो आपके एचडी वाले बच्चे हैं इनके मौखिक रूप से एक साथ मौखिक रूप से संघर्ष कर सकेंगे, उनके हाव भाव चेहरे इसकी अभिव्यक्ति हो पाएगी, अशाब्दिक संचार में ताकत मिल सकेगी। जो एचडी वाले बच्चे हैं कुछ व्यक्ति चेहरे के भाव और शरीर को देख करके है ना प्रतिक्रिया करते हैं, कौशलों को स्वयं से और संचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं जो हमारे एचडी वाले बच्चे हैं इनमें पुनरावृत्ति भी देखने को मिलती है ना, तुरंत ये चीज़ों को ग्रहण भी कर सकते हैं विचारों को लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते है ना, ये कठिनाइयाँ हमारे एचडी बच्चे में देखने को मिलती हैं, ऑटिज़म बच्चे में देखने को मिलती हैं। बच्चा बातचीत नहीं करता, शरीर की जो भाषा है उसको नहीं समझ पाता है ना, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि जो हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनके व्यक्तियों में के लिए वाणी भाषा संचार है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं निहितार्थ होती हैं, व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वे प्रभावी संचार कौशल विकसित करने में पूरी क्षमता में मदद होती है और शुरुआती हस्तक्षेप जो है वो समर्थन इसका प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यूनिट 3.1 जो थी वो आपकी समाप्त हुई। अब हम बात करते हैं आपकी यूनिट 3.2 की, और इसको लगा लेना स्टार ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे करके स्टार लगा लेना। क्या करोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, AAC यानी कि आपका ऑगमेंटेटिव एंड हम लगा सकते हैं है ना, और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, है ना, ऑर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC यानी कि संचार उपकरण प्रणाली की जो रणनीतियां हैं इन पर हम बात करेंगे।
जो आपका ऑगमेंटिव होगा या ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन की जब बात करेंगे, है ना, जब हम ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कहेंगे कि जब आप कुछ चीज़ों को बढ़ाते हो, कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को जोड़ते हो, तो वो आपका किसके अंतर्गत, ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जब आप कोई भी कम्युनिकेशन को बढ़ाते हो, मैं क्या करता हूँ, आपको जैसे मैंने आपको चीज़ों को समझाया तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके समझा दिया, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके आपको चीज़ों को समझाया, तो वो आपका ऑगमेंटिव के अंतर्गत आएगा। या हम कह सकेंगे कि संचार की जो प्रणाली है उसमें हम चीज़ों को जोड़ करके आपको सिखाएं। यहाँ पर संदेश आपका श्रोता होगा और चीज़ों को स्पष्ट कर सकेगा। ऐसे ही आपका अल्टरनेटिव में जब आप चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हैं, जब आप चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हैं, भाषा को नहीं समझा सकते हैं, नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, संवाद जो है वो अलग तरीके से होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव कहेंगे, है ना। और कम्युनिकेशन आपका संचार, तो AAC यानी कि मूल रूप से अगर हम कहें AAC तो उपकरण या रणनीति एक प्रकार की, ये उपकरण एक व्यक्ति को संवाद करने में मदद करेगा। जब वे भाषण या कह सकते हैं स्पीच जो आपकी है, है ना, इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हैं, और अगर चीज़ों को बोल रहे हैं तो काफ़ी बढ़ाकर बोल रहे हैं, या जो भी चीज़ें, जो भी क्षमता खो चुके हैं, है ना, तो इसमें जो है हमारा किसका काम होगा, AAC का काम होगा। वहाँ पर हम देखेंगे कि चीज़ों को बढ़ा के कितना बोला जा रहा है, और भैया चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है, तो कैसे हम इनकी चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए AAC के उदाहरण में से हम अगर बात करें तो सबसे पहले गैर सहायता प्राप्त संचार प्रणाली इसकी बात करते हैं, गैर सहायता प्राप्त संचार प्रणाली की बात करते हैं, तो कहते हैं संदेश को या संदेशों को संप्रेषित करने के लिए उपयोगकर्ता के शरीर पर भरोसा करें। उदाहरण के लिए इशारे, शरीर की भाषा, सांकेतिक भाषा, इनको शामिल करें। यानी कि जो हमें बच्चे की, अगर बच्चे को अगर हमें संप्रेषण, बच्चे को अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो हम कैसे कराएंगे, इशारों के माध्यम से, शरीर के संकेतों के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, इनको भी हम इसमें शामिल करें गैर सहायता प्राप्त संचार की प्रणाली में। ऐसे ही हम बच्चों को कम तकनीकी के द्वारा, यानी कि लो टेक AEC के द्वारा, कम तकनीक के द्वारा चीज़ों को सिखा सकते हैं। जैसे बच्चा संदेश लिखने में के लिए एक साधारण कलम, कागज, है ना, इन चीज़ों को शामिल करता है, साथ ही चित्र बनाने के लिए बोर्ड का प्रयोग करता है ना, तो इन सभी चीज़ों को उपयोगकर्ता संदेश और संप्रेषण के माध्यम से, छवियों, शब्दों, चित्रों, है ना, रेखा चित्रों, इनको हम लोग इंगित कर सकते हैं और बच्चे को हम लोग सीखने में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही आपका आएगा उच्च तकनीकी, है ना, उच्च तकनीक में आप क्या करोगे, जो भी विशेष उपकरण होंगे, है ना, सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संचार, है ना, कीबोर्ड, इनको आप शामिल करोगे और बच्चे की जो छवियां हैं, अक्षर हैं, इनको दिखाते हुए, दबाते हुए बच्चे को स्पीच जो है वो डेवलप कराई जाएगी, है ना। इसके बाद में आपका हम बात करते हैं जो भी आपके इलेक्ट्रिक प्रवाह वाले हैं, है ना, जैसे बच्चा कोई हकला रहा है या बच्चा जो भी उपयोग करता है वो आवाज़ों को नहीं सही बजा पा रहा है, कहीं कान तक नहीं जा रहा है, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी उपकरण होगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और बच्चे की जो आवाज़ है उसको बेहतर बनाएंगे। आखिरकार AAC के लाभ क्या होंगे, ऑगमेंटिव इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन के आपके लाभ क्या होंगे। कोई भी व्यक्ति जो भाषण में भरोसा नहीं कर रहा है, यानी कि स्पीच को नहीं बोल पा रहा है, तो क्या होगा, उनको हम लाभान्वित कर सकेंगे। यहाँ पर हम दोस्त, जो भी कह सकेंगे, जो भी हमारे गहरे रिश्ते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी सामाजिक संपर्क है, इसको बनाने में सहायता मिलेगी। जो भी परिवार के सदस्य, दोस्त, पेशेवर हैं, इनके साथ बोलने में सहायता मिलेगी। और जो भी जीवन के क्रियाकलाप हैं, स्वतंत्रता, है ना, इसमें वृद्धि मिलेगी। चिकित्सकों के साथ बेहतर जानकारी को साझा किया जा सकेगा। अस्पताल
और दीर्घकालिक सुविधाएं बच्चे को दे दी जा सकेगी, है ना। और जो भी बच्चे के नए अवसर हैं, स्वयं करने के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के अवसर हैं, तो वो आपके AAC के द्वारा, आर्गुमेंटिव एंड एंटी कम्युनिकेशन के द्वारा बेहतर बनाया जा सकेगा। अक्सर जो मुश्किलें बच्चे में आ रही हैं, बच्चा जहाँ पर भरोसा नहीं कर दे पा रहा है, है ना, जहाँ पर बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, हताश है ना, तो वहाँ पर हम बच्चे के लिए AAC का प्रयोग करेंगे, आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चा बेहतर चीज़ों को सीख पाए। ऐसे ही आपका आता है यूनिट 3.3 में, कहता है ASD वाले बच्चे, जो हमारे ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, इनके संवेदी प्रसंस्करण की बात करता है। ASD वाले जो बच्चे हैं, इनके संवेदी प्रसंस्करण की बात करेगा, इनके मोटर कौशल की बात करेगा, है ना, इनके मोटर कौशल की बात करेगा, इनके मोटर कौशल का विकास है, इसकी बात करेगा। तो जब भी हम कहते हैं ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो कहते हैं कि इन बच्चों में संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ बच्चे संवेदी प्रसंस्करण भी दिखाते हैं, संवेदनाओं में हानि दिखाते हैं, और बच्चे में हमें मोटर कौशल जो है उसका भी विकास देखने को कम मिलता है, है ना। तो संवेदी प्रसंस्करण का तात्पर्य मस्तिष्क पर्यावरण से प्राप्त संवेदी सूचनाओं को कैसे संसाधित और व्याख्या किया जाए। संवेदी प्रसंस्करण में कह सकते हैं कि विभिन्न उत्तेजना, जवाब, है ना, ध्वनियाँ, रोशनी, बनावट, लिखावट, है ना, इनके बारे में चीज़ों को देखा जाता है, और अति संवेदनशीलता दिखाते हुए जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको दर्ज किया जाता है। यहाँ पर सामान्य संवेदी प्रसंस्करण, सामाजिक संचार कौशल विकास, इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा, जो भी स्वनियमन है, अनुकूली व्यवहार है, इसमें साथ में जो कठिनाइयाँ हैं उनको ध्यान में दिया जाएगा, है ना, और जो भी बनावट है, कह सकेंगे जो भी दोहराने के आंदोलन हैं, इनका व्यवहार है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ASD वाले बच्चों में अगर हम मोटर कौशल की बात करें, तो हम देखते हैं कि बच्चे मोटर कौशल में, चाहे वो हाथ पैर की, आपकी हाथ की क्रियाएं हों या पैर की क्रियाएं हों, है ना, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, लिखना, है ना, ये सारी क्रियाएँ जो मोटर कौशल के अंतर्गत आती हैं, इनमें भी जो है वो प्रतिबंध देखने को मिलता है। तो हम बच्चों को इन कौशलों में शामिल करेंगे, जिससे कि बच्चे बेहतर कौशल को सीख सके और इनको एक नए अवसर मिल सके। जो भी मोटर कौशल हैं उनकी क्षमता को प्रभावित करेंगे, बेहतर बनाएंगे, और जो हमारे ASD वाले बच्चे हैं, इनको नकल करके चीज़ों को अगर नहीं कर पा रहे, तो नकल करना भी इनको सिखाएंगे, इनको अवलोकन करना सिखाएंगे, क्योंकि इनमें इनको कठिनाइयाँ हो सकती है, ठीक है। हस्तक्षेप, जब हम बच्चों में हस्तक्षेप करेंगे तो इनका मोटर कौशल विकसित होगा। हस्तक्षेप से लाभ क्या होंगे, तो कहेंगे भैया बच्चे को व्यवसाय चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, भाषा चिकित्सा, है ना, इसमें हम लोग शामिल कर सकेंगे, और बच्चे का मोटर कौशल और संवेदी कौशल जो है वो उसको विकसित किया जा सकेगा। इसके लिए जो भी चिकित्सा हस्तक्षेप है उसको दिया जाएगा, और जो इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर बच्चे के लिए गतिविधियों में कार्य किया जाएगा। ऐसे ही आपका जो यूनिट 3.3 जो आपका मोटर कौशल और संवेदी प्रसंस्करण के बारे में था, यहाँ पर आपका ये समाप्त हुआ। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके यूनिट 3.4 की, जहाँ पर बात की जा रही है जो भी आपके ASD वाले बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, इनके व्यवहार विनियमन की, इनके काउंसलिंग की, कि इनके जो स्किल व्यवहार है, जो इनका व्यवहार है, उसका हम लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग कैसे करेंगे, है ना। तो हम जब भी बात करते हैं इन बच्चों की, जो आपके ASD वाले बच्चे हैं, इनके हम लोग स्किल बिहेवियर की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, जब हम इनका स्किल बिहेवियर देखते हैं, तो संचार, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक स्थितियाँ, भावना, है ना, इनके व्यवहार में जो प्रतिबंध है वो देखने को मिलता है। ASD वाले बच्चों में या व्यक्तियों में जो कौशल विकसित हो रहे हैं, है ना, उनमें उनको परामर्श देना, व्यवहार की ओर आगे बढ़ाना, पारस्परिक कौशल विकसित करना, इसमें मदद मिल सकती है आपके ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में। व्यवहार, जो भी पारस्परिक कौशल है इसको विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण पहलू, जो भी आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आएंगे, जैसे सामाजिक संचार हुआ,
व्यवहार हुआ, इसको प्रभावित करते हैं। जो आपके एचडी वाले बच्चे हैं, एचडी बच्चे हैं, इनके सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, इनके व्यवहार में कठिनाई देखने को मिलती है और इनकी जो चुनौतियां हैं इनमें इनको सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एचडी वाले बच्चों के उनके व्यवहार, विनियमन और पारस्परिक कौशल को सुधारा जा सकता है। इस इनकी रणनीतियों में इनकी मदद करके विकास किया जा सकता है। सामाजिक स्थितियों में जो भी भावनाएं होंगी, इन बच्चों को निपटने के लिए जो भी पढ़ाने के लिए जो भी परामर्श हैं, विनियमन है, इसकी भूमिका निभा पाएंगे, है ना। काउंसलिंग, इन बच्चों के जो जो बच्चे हैं इनके लिए हम पहचान कर पाएंगे, जो भी परेशान या चिंता है इसको हम लोग व्यक्त कर पाएंगे। जो भी बच्चे की रणनीति है इसका विकास किया जा सकेगा, बच्चे को परामर्श दिया जा सकेगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारे एचडी वाले बच्चे हैं इनकी जागरूकता कौशल को विकसित किया जा सकेगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, है ना, जिससे कि दूसरे के साथ व्यवहार करना, चीज़ों को समझना, हाव भाव को समझना, शारीरिक हाव भाव, है ना, आवाज़ों, चेहरे के हाव भाव, इनको समझाया जा सकेगा। और परामर्श के द्वारा व्यक्तियों को उचित व्यवहारिक सामाजिक सीखने के जो कौशल हैं वो प्रदान किए जा सकेंगे, जिससे बच्चा वार्तालाप, समस्या समाधान कौशल और सामाजिक पारंपरिकता जो है वो देखने को बच्चे में मिलेगी। कह सकते हैं कि जो भी हमारे एएचडी से पीड़ित बच्चे हैं इनकी पारस्परिक कौशल विकसित किया जाए, जागरूकता में इनकी बढ़ोतरी की जाए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, जो भी व्यक्तियों के संबंध हैं इनको बेहतर किया जाए और इनमें सुधार लाया जा सके। तो इस प्रकार से आपका 3.4 जो था वो आपका समाप्त। हम अब बात करते हैं भैया आपके 3.5 की, और इसमें थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस यूनिट में आपकी बात की जाएगी जो हमारे एएचडी वाले छात्र हैं, यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम या सुलीनता वाले जो छात्र हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सुलीनता वाले जो छात्र हैं इनके लिए चिकित्सकीय मनोरंजन की बात की जाएगी, यानी कि चिकित्सा दिया जाएगा इनको किसके माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, जिससे कि ये बेहतर सीख सके, है ना, इसकी बात की जाएगी। तो जब भी ऐसे बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा, है ना, ऑटिज़म बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा, तो उनके व्यवहार और भावनाओं को देख करके उनके सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए नए संबंधों को बनाने में मदद किया जाएगा। बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसको सुधारा जा सके, और जो भी गतिविधियाँ हैं बच्चे की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, है ना, जिससे कि बच्चे का कल्याण हो सके और बच्चे को प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि म्यूज़िक थेरेपी देंगे बच्चे को, है ना, बच्चे को हम लोग क्या देंगे, म्यूज़िक थेरेपी देंगे, बच्चे को हम लोग म्यूज़िक थेरेपी देंगे या संगीत चिकित्सा देंगे। संगीत चिकित्सा में जो भी पेशेवर होगा, जो भी स्वास्थ्यकर्ता होगा, बच्चे को संगीत का उपचार, है ना, लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, और इसमें बच्चे का ध्यान जो है वो बेहतर हो सकता है, बच्चे का भाषण बेहतर हो सकता है, बच्चा लय और जो भी गीत है उसकी स्मृति को रख सकता है, भाई गीत को भी याद कर सकता है बच्चा। इससे क्या होगा, बच्चे की जो शैक्षिक सामग्रियां हैं उसमें भी बच्चा स्मृति को रख पाएगा। इससे ओवरऑल होगा क्या कि बच्चे का संज्ञानात्मक कौशल बच्चे का बढ़ेगा, बच्चे का जो शैक्षणिक कौशल है वो बढ़ेगा, बच्चे का भाषण का विकास होगा, बच्चे की भाषा का विकास होगा, और जो सीखने की बातचीत करने की जो क्षमता है बच्चा वहाँ पर ध्यान और अनुकूलन कर पाएगा अपने पसंदीदा गीत को सुनकर। इससे बच्चे का बेहतर संज्ञानात्मक कामकाज बढ़ेगा, सामाजिक बढ़ावा होगा, बेहतर व्यवहार होगा, है ना, मौखिक कौशल बढ़ेगा और मोटर कौशल बच्चे का जो है वो विकसित होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी संगीत उपचार के अंतर्गत, म्यूज़िक थेरेपी के अंतर्गत विकसित होंगी। अब हम बात करते हैं आर्ट थेरेपी की, यानी कि कला थेरेपी की, है ना, आर्ट थेरेपी की। कला थेरेपी में जो भी कला होंगी, शिल्प केंद्र आत्मकेंद्रिता होगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा, विशेष रूप से जो प्रभावी उपचार होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और जो भी इसके इनपुट होंगे ठोस चीज़ों के उपचार के लिए या ऑटिस्टिक जो दृश्य हैं उनके लिए, है ना, कला शिक्षा, मनोविज्ञान, रचनात्मक कला, है ना, बच्चे को इन सभी चीज़ों पर आत्मकेंद्रिता जो है वो बढ़ाई जाएगी, और बच्चे का ध्वनि उपचार के माध्यम से भी चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे में आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। जो भी संकेत और मानदंड बच्चे को सिखाए जा रहे होंगे वहाँ पर बच्चा अशाब्दिक कौशल
और भाषा कौशल को विकसित कर सकेगा। ऐसे ही बच्चे में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता जो है वो भी बढ़ेगी। बच्चे को हम लोग कराटे के माध्यम से, है ना, बच्चे को हम लोग कराटे के माध्यम से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि जो भी वयस्क हैं या बच्चे हैं, इनमें हम इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समुदाय में जो कौशल्य नहीं कर पा रहे हैं, जो मोटर कौशल्य नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो मोटर योजनाओं को बढ़ाने के लिए, बच्चे के सकल मोटर कौशल को बढ़ाने के लिए, संवेदी प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए, सामाजिक कौशल में सम्मान के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, है ना, हम लोग क्या मोटर कौशल को विकसित कर सकेंगे, जिससे कि बच्चा फिट रहे और भैया अपनी क्रियाओं में आगे बढ़ सके। बच्चे को हम लोग मूवमेंट करके, है ना, डांस करके, डांस थेरेपी के द्वारा या डांस करके या मूवमेंट थेरेपी के द्वारा बच्चे को हम बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो डांस करते हैं तो क्या होगा, उनका अव्यंजना भी बढ़ेगी, जो संप्रेषण है वो भी बढ़ेगा, बच्चे का जो सामाजिक कौशल है वो भी बढ़ेगा, और बच्चे का जो कह सकते हैं कि नृत्य के द्वारा या डांस के द्वारा बच्चे का शरीर है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा, बच्चा जो उपचार है उसके उपचारों को कम किया जा सकेगा, शारीरिक जागरूकता बढ़ेगी, मोटर कौशल विकसित होंगे और समाज में संचार में सुधार मिलेगा। बच्चे को ऐसे मोटर कौशल को विकसित कराया जा सकता है, बच्चे का संचार बढ़ाया जा सकता है, बच्चे को जो आत्म कौशल हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, आत्मसम्मान को बढ़ाया जा सकता है, जो भी कौशल बच्चा सीखना चाहता है उन कौशलों को एक साथ में साझा करके उनके कार्यक्रमों को विनियमित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आपका घुड़सवारी बच्चे को हम करवाएं, चाहे बच्चे को हॉकी खिलवाएं, है ना, इसमें भी बच्चे की जो टीम वर्क है इसमें बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे की सहायता में आत्मनिर्भर बच्चा बनेगा, आत्मविश्वास में जागृत होगा, है ना, जो भी हमारे शारीरिक दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चे कार्य करने के लिए बेहतर एक अच्छा प्रयास करेंगे, इनमें सब में बच्चे को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन थेरेपियों के द्वारा, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, आपका डांस थेरेपी, हॉकी, कराटे, घुड़सवारी, इनके द्वारा हम बच्चे का कौशल, आत्मसम्मान, मोटर कौशल और संचार में वृद्धि करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यूनिट 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट 4 कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।